अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टेक्निकल सालिम में स्वागत है आपका। दोस्तों आज मैं बताऊंगा कि ई रिक्शा कैसे चलाएं। अगर आप ई रिक्शा चलाना चाहते हैं तो बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। दोस्तों आज मैं आसान तरीका बताऊंगा ई रिक्शा चलाने का, तो दोस्तों वीडियो को शुरू से आखिर तक पूरा देखना है आपको। दोस्तों ई रिक्शा चलाने के लिए पहले उसका चाबी चाहिए। देखिए चाबी को यहाँ ई रिक्शा पर लगाना होगा। कहाँ लगाना है यहाँ आप ध्यान से देखिए, इस पर आपको चाबी लगाने हैं। चाबी लगाकर आपको घुमाना है, तो यहाँ मीटर का यहाँ ऑन हो जाएगा, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है देखिए। फिर आपको क्या करना है देखिए, यहाँ एक्सलेटर है, एक्सलेटर दबाएंगे तो इसका आगे जाएगा। और नीचे देख सकते हैं ब्रेक, इस ब्रेक का देखिए मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए एक्सलेटर में दबा रहा हूँ, ये देखिए दबा रहा हूँ। धीरे धीरे आपको दोस्तों धीरे धीरे दबाना है आपको, तो आगे जाएगा। अगर रुकाना है तो आप ब्रेक में दबाएंगे तो रुक जाएगा दोस्तों। और पीछे जाने के लिए आपको रिवर्स करना है, देखिए यहाँ पर है दोस्तों रिवर्स। इस पर इस बटन पर आप यहाँ दबाएंगे, हाँ स्विच को ऐसे ऑन करेंगे तो ये रिवर्स हो गया है। तो रिवर्स करेंगे फिर एक्सेलेरेटर दबाएंगे तो आपका ई रिक्शा पीछे जाएगा। हाँ तो दोस्तों फिर से आपको रिवर्स में आगे जाना है, फिर से ये रिवर्स के बटन को यहाँ फिर से इसे ऐसे कर देना है। फिर आपको ऐसे चलाएंगे, एक्सलेटर दबाएंगे तो आगे जाएगा। और एक बात ध्यान से, आप नया नया ई रिक्शा चलाना चाहते हैं तो आपको धीरे धीरे चलाना है। अगर आप स्पीड में जाएंगे तो कहीं टक्कर लग जा सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसके लिए आपको ध्यान से जो एक्सलेटर है, एक्सलेटर को आपको धीरे धीरे दबाना है, धीरे एकदम धीरे धीरे। हाँ फिर आपको ब्रेक है, ब्रेक को दबाना है। फिर आपको डरना नहीं, ये ई रिक्शा है ना, आप बच्चे चला लेते हैं, आपको क्यों नहीं आएगा। तो दोस्तों इसके लिए आपको डरना नहीं है, आपको चलाना है। खाली रास्ते में आपको जितना चलाएंगे उतना आसानी से आप सीख पाएंगे और जल्दी सीख पाएंगे। यहाँ इंडिकेटर है दोस्तों, ये लाइट है, ये लाइट ऐसे जलाएंगे तो सामने लाइट जल जाएगा। और यहाँ हॉर्न का ऑप्शन है, देखिए हॉर्न, इस पर दबाएंगे तो हॉर्न बजेगा, देखिए हॉर्न। यहाँ इंडिकेटर का स्विच है, देखिए यहाँ दबाएंगे तो इंडिकेटर लगेगा। दोस्तों ये आपका ई रिक्शा हो तो आपको ये फंक्शन आपको सब पता चल जाएगा। तो मैंने ऐसे ही दिखाया आपको, आप सीख जाएंगे तो देख सकते हैं। आज देखिए मैं चलाकर फिर से दिखा रहा हूँ आपको दोस्तों, ये एक्सलेटर धीरे धीरे दबाकर आपको ऐसे चलाना है। देखिए ई रिक्शा जा रहा है, तो दोस्तों अब ब्रेक लगा दिया मैंने। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगले नए वीडियो के साथ।